आज की रेसिपी है साबूदाने की खिचड़ी, जो बिल्कुल खिली हुई बनेगी। अगर आपकी साबूदाने की खिचड़ी खिली हुई नहीं बनती, आपस में चिपक जाती है, तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। इसमें वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए मैंने, जिसे फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि साबूदाने की खिचड़ी काफ़ी खिली हुई बनेगी और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। स्पेशली व्रत के लिए मैंने इसे बनाया है। एक्स्ट्रा एडिशन करने के बाद इसे आप और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम साबूदाना को सोक करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे एक कप मैंने साबूदाना ले लिया है। आप किसी भी बाउल से ले सकते हैं मेज़र करके, और यहाँ पे मीडियम साइज़ के साबूदाने का यूज़ किया है मैंने। इसे हमें पहले वॉश कर लेना है। तो इनके ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर की एक लेयर है, जो स्टार्च होती है इसकी। वॉश करते समय हम ये गलती करते हैं कि इसे काफ़ी रब करते हुए वॉश करते हैं, जिनसे इनका स्टार्च पूरी तरह से निकल जाता है, और जब आप इसे सोक करते हैं तो आपस में बिल्कुल चिपक जाती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से आप इसे वॉश कर लीजिए। तो लगभग 2 से 3 बार मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आपको उतनी ही रखनी है जितना आपने साबूदाना लिया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपके साबूदाने हमेशा खिले हुए सोक होंगे। जितना साबूदाना ले रहे हैं उतना ही पानी ऐड कीजिए। अब इसे कवर कर दीजिए लगभग 5 से 6 घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट रख रहे हैं तो सुबह आप देखेंगे कि इसमें पानी पूरी तरह से गायब हो जाता है, मतलब कि रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, साबूदाने का साइज़ बिल्कुल डबल हो चुका है, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, और बिल्कुल खिला हुआ साबूदाना हमारा सोख होकर तैयार हुआ है। तो इस टिप को फॉलो कीजिए, जितना साबूदाना ले रहे हैं उतना ही पानी ऐड कीजिए, और 6 से 7 घंटे के लिए इसे सोख कीजिए। आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी के लिए हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं तो अच्छा फ्लेवर आएगा। करी पत्ता ले लिया मैंने, थोड़ी सी किशमिश, नारियल स्लाइसेस में कटे हुए काजू, और 2 हरी मिर्च रफली चॉप करके ऐड किया मैंने। इसके साथ ही यहाँ पे आलू ले लेंगे। आलू इसमें उबाल के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन पे इसे कच्चा ही ऐड कीजिए। जब ये फ्राई होते हैं तो इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आती है, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक बड़े साइज़ के आलू को मैंने डाइसेस में कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इनका कोर्सली पाउडर बनाना है। तो 1/2 कप मूंगफली ले लिया मैंने, इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए। तो लगभग 5 से 6 मिनट के बाद इनका कलर चेंज हो गया है और अच्छी तरह से ये भुन गए हैं। इन्हें ड्राई रोस्ट ही करी अच्छा टेस्ट आता है। अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे लगभग 30 सेकेंड के लिए, और इस तरह से कोर्सली हमारा पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम खिचड़ी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। व्रत के खाने को घी में ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा भून लीजिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है यहाँ पे। जीरा जैसे अच्छी तरह से भून जाएगा इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम साथ साथ ही पका रहे हैं आलूओं के साथ। अब डालेंगे इसमें करी पत्ता, हरी मिर्च, और सबको अच्छी तरह से कुछ देर के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के ऊपर अच्छा सा एक लेयर आ जाए, क्रिस्पी सा। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स क्रंची फ्लेवर में चाहिए तो उन्हें पहले फ्राई करके निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च ऐड कीजिए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भून लिया है। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आपको 1/2 छोटी चम्मच से भी कम थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक डालने से ये होगा कि आलू एब्जॉर्ब कर लेगा नमक को, और साबूदाने की खिचड़ी खाते समय आलू आपको फीके नहीं लगेंगे। बाकी नमक हम बाद में डालेंगे साबूदाना ऐड करने के बाद, लेकिन थोड़ा सा नमक यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। कवर कर दिया मैंने लो फ्लेम पे, और इसे पकाते हुए हमें लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है। आलूओं को चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। पीसेस बहुत छोटे थे तो आराम से ये सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं ये। इस स्टेज पे हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप साबूदाना जितना मैंने सोक किया था सारा ऐड कर दिया है। साथ ही डालेंगे मूँगफली का पाउडर, जो हमने ग्राइंड करके रखा था। अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ नमक ऐड कर देंगे।
इससे आपके साबूदाने भी पूरी तरह से नमक को एब्जॉर्ब करेंगे, आलूओं में भी नमक रहेगा और रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये छोटे छोटे ट्रिक हैं जिसे फॉलो करने के बाद आपकी साबूदाना की खिचड़ी काफ़ी शानदार और अच्छी बनेगी। तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिए और इसे हमें कवर कर देना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे लगभग 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया। काफ़ी साबूदाना ट्रांसपेरेंट लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत अभी भी सफ़ेद है। तो जब तक सारे साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इसे पकाते रहिए। अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, इसी तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए इसे भूनेंगे। और ये देखिए, काफ़ी साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये साइन है कि आपका साबूदाना पक चुका है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट इसे और भूनना है। और ये देखिए, पूरी तरह से हमारा साबूदाना अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, एक एक दाना खिला हुआ है। और ये देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ पे इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी पूरी तरह से व्रत में खाई जाने वाली रेसिपी जैसे है। इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं वो भी आप खा सकते हैं व्रत के दौरान। तो इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे इसका टेक्सचर देखिए, एक एक दाना अलग है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं बना है। तो इस सिंपल सी टिप को आप फॉलो कीजिए, आपके साबूदाने की खिचड़ी हमेशा खिली हुई बनेगी। इस तरह से भीगे हुए साबूदाने से अगर आप वड़ा बनाते हैं वो भी क्रिस्पी बनेंगे, खीर बनाते हैं वो भी सॉफ्ट बनेगी। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।